हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये क्लिप बनाना बता रही हूँ आपको। ये बच्चों पे बहुत ही सुंदर लगता है ना। आपके पास जो भी क्लिप हो वेस्ट, देख लीजिए। मेरे पास ये थी तो मैंने इसका यूज किया है। ऐसे हम लोग के पास तो बहुत सारी क्लिप रहती हैं, तो उसको हम लोग ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं बच्चों के लिए। और कोई भी कलर की मोती यूज कर सकते हैं। मेरे पास देखिए ये लंबी वाली 4 मोती मैंने यूज किया है, ठीक है। मेरे पास ये थी, अभी ये यूज किया है। इसके लिए फिर मैंने 4 mm की मोती ली है छोटी वाली, और मैंने बड़ी मोती ली है। ये है 6 mm की बड़ी मोती, ठीक है। आपके पास जो भी मोती हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे पास ये थी तो इससे, और ये क्लिप ली है मैंने। चलिए मैं आपको बताती हूँ। और इसे ग्लू गन से अटैच करने के लिए मैंने ये लिया है, ये मेरे पास था। क्योंकि ग्लू गन डायरेक्ट क्लिप पे चिपकता नहीं है, वो चिपकेगा फिर निकल जाता है। इसलिए आप लोग है ना, रिबन या तो फिर पेपर, कोई भी मीन्स अच्छी से पेपर, या देखिए मेरे पास ये है, कुछ भी हो इसके ऊपर लगा ले पहले, फिर उसके बाद उसको अटैच करें, नहीं तो वो निकल जाता है डायरेक्ट पढ़ने पे। मैंने थ्रेड लिया है। पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्रेड में गाड़ देंगे। गाड़ दे दिया। अब 3 मोती लेंगे बड़ी वाली, ठीक है। मैंने 3 मोती लिया। अब 2 लंबी वाली मोती लेंगे, ठीक है। देखिए लंबी वाली मोती पहले ये बड़ा वाला जो इसका सर है उसको अंदर डालेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो है उसकी पूंछ से अंदर डालेंगे, ऐसे हम लोग को ऐसे डालना है, ठीक है। ऐसे डालकर हम लोगों को यहां से बाहर निकलना है। ये देखिए, ये ऐसे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को एक ये मोती लेनी है। अब इसे यहां से, ये देखिए अभी ये वाला हम लोग को इधर ऐसे ले जाना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले लंबी मोती जाएगी इसकी पूंछ अंदर, और फिर 3 मोती यहां से इस वाले में, ठीक है। यहां से इस वाले में अंदर करेंगे, ये देखिए। अब हम लोग को यहां से बाहर आना है, क्योंकि ये थ्रेड बीच वाले में है, तो या तो इधर से जा सकते हैं या तो इधर से। मैं इधर से निकल रही हूं इसके अंदर से, ठीक है। अब यहां भी 3 मोती लेंगे हम लोग, यहां पे 3 मोती लेनी है व्हाइट वाली, ठीक है। और एक ये इधर से, ये देखिए इसका सर मोती की तरफ होगा। अब इसको इस वाले से, इस मोती से अंदर कर देंगे, ये हम लोग का बन गया।
ठीक है। अब हम लोग ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक मोती लगाएंगे, एक मोती ली यहाँ से इस साइड में निकल जाएंगे, ये एक मोती लग गई ठीक है। अब हम लोग यहाँ से ऊपर आएंगे, इस मोती पे, ये जो बीच वाली मोती है ना हम लोग की, ये बीच वाली मोती है यहाँ आ गए। अब इस वाले ये बीच मोती को छोड़कर इस साइड से ही हम लोगों को लेना है पांच मोती ठीक है। अगर आपके पास 3 mm की मोती है तो आपको 6 मोती लेनी पड़ेगी, 6 या 7 आप देख लेंगे। मेरे पास 4 mm की है तो मैंने 5 मोती दिया है ठीक है। अब इसे यहां से ये देखो, इस वाली मोती से, व्हाइट वाली एक मोती हम लोगों ने यहाँ लगाया ना, उस मोती से इस साइड से इधर करना है ठीक है। फिर हम लोग को 5 मोती लेनी है, बीच वाले मोती से ठीक है, इसी बीच वाले मोती से निकाल देंगे ठीक है। अभी हम लोग का ये तैयार हो गया ठीक है। आप लोग ऐसे भी इसे है ना पूरा राउंड कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 4 ही मोती लिए, 6 मोती लेकर ये पूरा फ्लावर बन जाएगा। आप पूरे फ्लावर में भी ऐसे ऐसे बना सकते हैं, मैं आगे की वीडियो में और बताऊंगी दूसरे डिजाइन में आपको पूरा फ्लावर बनाना है, कैसे बनाना है और उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ठीक है। ये तो हो गया, ये देखिए हम लोग का ये ऊपर का बन गया, इतना इतना बन गया। अब हम लोग को ये बनाना है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मोती लेंगे यहीं से ठीक है, बीच वाले से ही। ये देखिए 5 मोती हम लोगों ने लिया ठीक है। अब 2 मोती और लेंगे, 6 7 7 पूरी टोटल मोती हम लोगों को 6 लेनी है, सॉरी 6 मोती लेनी है ठीक है। 6 मोती लिए, अब इसमें क्या करना है, एक मोती को छोड़ देना है इस मोती को, और ये जो बचे एक मोती को हमने छोड़ा और दूसरी ये 5वें नंबर की मोती में हम लोग को इन करना है ठीक है। 5वें नंबर की मोती में इन करनी है ठीक है। और 4 मोती अब लेनी है सिर्फ, चार ठीक है। अब 4 मोती लेनी है और इस साइड से निकाल देना है हमें, देखिए
इस साइड से एक बन गया है, इस साइड से यहां से ये हम लोग का निकल गया। ठीक है, ये देखिए हम लोगों ने यहां से 6 मोती लिया था, एक मोती छोड़ दिया और एक मोती ये यहां से अंदर किए, और इधर में सिर्फ मैं हम लोगों ने 4 ही मोती लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सेट कर देंगे, टाइट कर देंगे। ठीक है, टाइट करके अब हम लोग यहां से इस वाले मोती से अब यहां आगे आना है हम लोग को। टाइट करते जाएंगे, निकल गए बाहर। अब हमें इस वाले से व्हाइट मोती में देनी है, व्हाइट मोती में अब इसका ये बनाना है। ठीक है, अब इस साइड से हम लोग बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 5 मोती, आप ये नहीं तो लंबी वाली मोती भी यूज कर सकते हैं। मैंने पिछले बटरफ्लाई वाले वीडियो में मैंने डाला है, आप देख सकते हैं उसको। और मैंने ये एक व्हाइट वाली मोती ली है, बड़ी वाली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बड़ी वाली मोती को छोड़ देना है। ठीक है, बड़ी मोती को छोड़ देना है, बाकी जितनी छोटी मोती 5 मोती है उसमें से धागे को निकालना है, और निकाल कर इस साइड लेकर आना है, दूसरी साइड। ठीक है, देखिए हो गया। और एक और इसी तरह बनाएंगे, 5 लेंगे मोती, के लिया इसमें एक बड़ा, बड़े को छोड़ देना है, बड़े को छोड़ देना है, और यहां से यहां निकल कर आना है। पूरे 5 में से निकाल लिए हम लोग, थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। वैसे यहां से इस वाले मोती में निकाल देंगे, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, काट दे देंगे यहां, कहीं भी आप गांठ देख सकते हैं, मैं यहां दे रही हूं। ये बहुत ही इजी है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और क्लिप को और भी सुंदर बना सकते हैं। तुम टाइटली इसको कट कर देंगे, देखिए इनका ये बनके तैयार है। ठीक है, बटरफ्लाई का और भी डिजाइन देखने के लिए मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, सुंदर सुंदर। चलिए अब मैं इसे आपको अटैच करके दिखाती हूँ। आप इसे लैलोन वाले थ्रेड से भी इस थ्रेड से भी, जैसे मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं सबको मैंने थ्रेड से ही अटैच करके दिखाया है क्लिप में, लेकिन अभी मैं आपको इसको ग्लूगन से अटैच करके दिखाती हूँ। आप थ्रेड से भी, अगर ग्लूगन नहीं है आपके पास तो थ्रेड से आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, हाँ अब देखिए हम लोग पहले इसको यूज करेंगे। ठीक है, पहले इसको चिपका लेंगे इसके ऊपर ग्लूगन की मदद से।
ठीक है। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप थ्रेड यूज कर सकती हैं। और इसे एकदम टाइट इसे कर देंगे क्लिप को, ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर ग्लू गन को लगाकर अच्छे से लगा लेंगे। इसको ऑफ कर देंगे और इसे ऐसे चिपका देंगे और इसे थोड़ा प्रेस कर देंगे। हम लोग का ये चिपक गया, इसे जो एक्स्ट्रा लगा देंगे। ये चिपक गया, ये हमारा क्लिप तैयार है। आप इसे कोई भी कलर का बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। मैंने अभी ये डिजाइन बनाकर दिखाया है आपको, और आपको मेरी डिजाइन पसंद आ रही हो, मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।